दिन बार तिथि नक्षत्र घड़ी पल समय सब शंकर भगवान ने बनाया, इसलिए उसका नाम काल अधिपति महा, जो काल को साज ले वो मारता, उसने बताया। तो उसने वर्णन किया कि जब सब शिव ने बनाया है तो तुम्हारी मर्जी पड़े तब तुम चालू कर दो, बस इतना याद रखना पूजन की थाली को लेकर जाना, सुबह पूरा अभिषेक का सामान जो भी आप ले जाते हो, दूध दही शहद आदि का नहीं हो तो थोड़ा पंचामृत और बेलपत्री आदि लेकर जाओ, दिया वगैरह सब लेकर जाओ, सुबह देवी पूजन करने की थाली लेकर जाओ, पूजन करता रहो, उसी पूजन की थाली को वापिस लेकर आओ, घर में रख दो पूजन की थाली को ढक कर, और शाम के समय पर पूजन की थाली वापिस लो, उसमें 6 दिए रखो, 6 दीप, थोड़ा सा मीठे का प्रसाद रखो, 3 हिस्सा करना है तो कोई दोना या कागज का टुकड़ा या प्लेट जो भी आपको 3 हिस्से करने के लिए कर जाना है वो लेकर जाओ, और बाबा का जो थाली रखी है पूजन की वही थाली ले जाओ, पूजन का सामान ले जाओ, भगवान की शंकर जी की शाम के समय पर पूजन करो, पूजन करते समय शाम के समय पर अभिषेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुबह तुमने कर दिया है, शाम को जल का छीटा देकर आदि का भी जल का छीटा देकर भगवान को सब पूजन कर कर 5 दिए शंकर भगवान के सामने प्रकट कर दो, जो प्रसाद लेकर गए हो मीठे का उसके 3 हिस्से कर दो, भगवान से निवेदन करो मेरा पहला सोमवार का व्रत है बाबा, आपको पूरण करना है, आपको संभालना है, मेरे मन की अभिलाषा, दीप प्रज्वलित करते समय अपने मन की कामना कर दो कि मैं इसलिए ये व्रत कर रही हूं और बाबा से भी नहीं करूं। जब दिए लगाकर पूजन कर वापिस आओ, 1 दिया थाली में जो रखा है उसको वहां पर नहीं जलाना है, ऐसा कैसे लेकर आना बिना जलाया हुआ, 5 दिए वही लगा दो, मीठे के 2 हिस्से वही छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रखकर ले आओ, बाबा से निवेदन कर अपने घर पर जब आओ तब घर में प्रवेश करते समय जो तुम्हारा सीधा हाथ हो उस राइट हैंड की ओर दिए को आराम से बैठो, भले जमीन हो तो जमीन पर आराम से बैठकर दिया प्रज्वलित प्रगट करो और भगवान से विनय करो, भोलेनाथ मेरा ये कार्य आप पूर्ण करना, घर के अंदर प्रवेश करो और भोजन करने से पहले सबसे पहले जो मीठे का प्रसाद लेकर आई हो पूरा प्रसाद उसको पाइए, उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करिए। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, बस इतना जरूर है कि जो प्रसाद लेकर आए हो सबसे पहले उसे खाना है, उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, वो प्रसाद आपको ही पाना है, पाने के बाद भोजन ग्रहण करो, 1 समय फलहार कर लो, 2 समय भोजन कर लो, पर व्रत पशुपतिनाथ के 5 करो, 5वां व्रत जब पूर्ण हो, जैसे आज 5वां व्रत है, 5वां व्रत जब पूर्ण हो शाम के समय पर 1 श्रीफल 11 रुपए 21 रुपए तुम्हारी मर्जी पड़े, 1000 जो तुम्हें जमा करना तुम्हें देना हो तुम्हारी मर्जी, जो देना वो भगवान शंकर के पावन चरणों में रख दीजिए, और बाबा को 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पुष्प या जो भी 108 चीज लेकर गए हो वो भगवान शंकर को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर या अपने मन की बात कहकर समर्पित करो और बाबा से विनय करो, बाबा मेरा ये कार्य सफल करे, ऐसे 5 व्रत बाबा के कर लीजिए, पशुपतिनाथ आपके भंडार भर देगा, सब कार्य सफल कर देगा, ऐसा पशुपति। अगर पति और पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तो 2 थाली अलग अलग जाएगी, दिए भी अलग अलग जाएंगे, मीठे का प्रसाद भी अलग अलग जाएंगे, अगर 2 जनी व्रत कर, और जब आप पशुपति व्रत करें तो निर्मल मन से दिखावा नहीं छल नहीं मन शुद्ध रखकर भगवान से प्रार्थना व्रत करें, भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करें, शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण